देख तो लेता भाई। लंबे समय से इस पार्टी में आज परिस्थिति बस के बात कर थोड़ी सी भाई। सब हो रहे हैं। पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भागीदारी कर रहा था, जैसे मुझसे बना, चाहे आदरणीय प्रियंका जी के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में हो, चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में हो, या चुनाव समिति के सदस्य के रूप में, या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की निष्ठा के साथ पार्टी में काम किया। आज अपरिहार्य कारणों से मैं पार्टी की तमाम जिम्मेदारी बताएंगे, आज बस इतना ही है। तो आगे भी जा रहे हैं सर, क्या किसी दल की तरफ आगे जा रहे हैं? राजनीति में सक्रिय रहूंगा, राजनीति तो करूंगा, और राजनीति करने के लिए किसी दल की आवश्यकता होती है, पर शेष चर्चा मैंने कह रहा है, शेष जो चर्चा हम करेंगे वो अगली बैठक में करेंगे। आपके बेटे भी विधायक हैं कांग्रेस में, क्या वो भी वो मैं उसकी सूचना भी आपको दे दूंगा। मैंने उसे भी अनुरोध यही किया है, उसे कहा है, ये संभव नहीं कि हम अलग अलग रहे। आपको एक कष्ट दिया गया, क्या वजह है, कांग्रेस आपने छोड़ी है? मैंने बताया ना, अपरिहार्य कारणों से, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। प्रियंका गांधी ने आज 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की, उससे तो नाराज नहीं आप? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँगा भला। सरकार हमारी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा नामित किया गया था उनसे, और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि वो मेरे त्याग पत्र को स्वीकार कर मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करें। किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई है आपने? मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा था अब तक। आज विषम परिस्थितियों में अपरिहार्य कारणों से मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, AICC मेंबरशिप, आदरणीय प्रियंका जी के सलाहकार सदस्य के रूप में, चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में, और चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, उन सब से अपना त्यागपत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा है, इस अनुरोध के साथ कि मुझे तात्कालिक प्रभाव से इन जिम्मेदारियों से मुक्त करें और मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। क्या आपके साथ विधायक जी पार्टी छोड़ रहे हैं, पंकज मलिक? अब देखिए, वो अपनी राजनीति अलग करता है, मैं अपनी राजनीति अलग करता हूँ। मैंने उसे भी कहा है, और हमारे साथ मैंने अपने साथियों से भी उस पर दबाव बनवाया है कि वो भी पार्टी छोड़े। अब मुझे उम्मीद है कि वो इनका आग्रह स्वीकार करेगा, इनका दबाव स्वीकार करेगा। अब से आज इतना ही है, बाकी आगे बात करेंगे। एमपी साहब लगातार कांग्रेस में इतना समय दिया है, सेवा भी की है, क्या लगता है किसी अन्य राजनीतिक? देखिए, मैं 18 साल कांग्रेस में रहा हूँ, और राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीति तो करूँगा ही। मैं जो अगली मीटिंग आपसे करके जल्दी आपको पूरी विस्तार से बातें बताऊंगा। एमपी साहब सपा की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ? बीजेपी की और हमारी आइडियोलॉजी अलग है, और मैंने कहा ना कि आज केवल इतना ही, आज पार्टी छोड़ी है, आगे आपसे भी सलाह करेंगे। बच्चा तो बीजेपी में जाने बच्चा क्या है?